अरे सब सब हो रहा है भाई। नहीं सर नहीं हो रहा, आप तब को बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए तो बोलना जरूरी है ना। तो बोलिए रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, हुआ क्या ही ना बता दी। अरे यहाँ बोलने के लिए जो बोलिए, लेकिन भीतरवा तो आप लोगों को मालूम है कि कितना कम। अरे क्या भाग रहे हैं आप, इसीलिए क्या बोल रहे हैं। आप पहले थे कहाँ, आरजेडी में, उस पर कहा थे जेडीयू, अब हो गए आप बीजेपी में। आपको तो बोलना ही है मेरे को। कोई पार्टी बदला क्या बैठ रहे? अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। आप अपने कितना बदले ये तो देखिए। बैठते तब ना, काहे भाग रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में खूब तीखी नोकझोंक हुई है नीतीश कुमार की। कहाँ, बिहार विधान परिषद में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए एक तरफ से सम्राट चौधरी थे जो कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, नवल किशोर यादव थे, तमाम इतने बीजेपी नेता हैं वो मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने जब अपना भाषण देना शुरू किया राज्यपाल के अभिभाषण पर, जब सरकार का उत्तर आने लगा था, उस दौरान खूब नोकझोंक हुई। कौन कितना पलटी मार है, कौन कितने पलट जाते हैं। सम्राट चौधरी भी पहले आरजेडी में थे तो सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है। नीतीश कुमार के साथ खूब नोकझोंक हुई है जवाब देते क्रम में। क्या कुछ वीडियो निकल के आया है, जरा सुनिए। एक बात, आप बैठ करके फिर तय करें कि शराबबंदी को और बेहतर करने के लिए जो करना हो, इस सर्वसम्मति की राय। एक कोई अकेला अकेला मेरा नहीं है। इसमें थोड़ा सा सजा का कार्रवाई ज्यादा होगा, सुनवाई यदि अधिक हो, क्योंकि 5 लाख लोगों पर केस है और सुनवाई यदि अधिक होगा सजा मिलेगा, तब हो सकता है कि कुछ ज्यादा आपको इसमें सफलता मिल पाए। नहीं, ठीक कह रहे हैं। आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उस परिवार के प्रति, ये हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। नहीं, अब सबसे बड़ी बात है, सब कुछ देखने के लिए तो अलग बात है, लेकिन लगवाए हुए हम लोग है ना, आपको तो पता ही ना है कितना कोर्ट वगैरह के लिए भी हम लोगों ने किया है कि भाई सब जगह हो जाए और तेजी से लोगों को जो गड़बड़ करता है उसको सजा मिले। तो ये सब के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं और लोग काफी तरह से काम कर रहा है, तो सब बात है। तो ये सब चीज के लिए तो कर ही रहे हैं और हम लोग तो जानते ही हैं कि अधिप्राप्ति का भी काम ठीक है कर रहे हैं। कितना आदमी उसके पक्ष में, सबको कितनी खुशी है। तो इसलिए जल जीवन हरियाली वाला काम को हम लोगों को सब लोगों को ध्यान में रखना। देखिए बयान देना बोलना सब अलग है, लेकिन हम भीतर कहेंगे कि मन में रखिए जरूर, ताकि सब चीज हो जाए तो सब चीज को होगा। अब तो बात अलग है, चलिए ना, पॉलिटिकल बात सब बोलना आई करना, किसी पर कुछ बोलना वो सब तो अलग चीज है, लेकिन असली चीज है, असली चीज है किस बात को। 17 साल हो गया सर, कितना दिन चुन रहा है आप तो बोलिए रहे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, हुआ क्या ही ना बता दी। वही नेता प्रतिपक्ष, आप लोगों को तो मालूम है। अरे यहाँ बोलने के लिए जो बोलिए, लेकिन भीतरवा तो आप लोगों को मालूम है कि कितना कम। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार में माननीय नेता प्रतिपक्ष, नहीं नहीं सदन का उत्तर हो रहा है, झूठ का सरकार का जवाब हो रहा है, ऐसे थोड़ा होता है, सरकार का जवाब हो रहा है। अरे सरकार यदि बोलेंगे तो, यदि असत्य बोलते रहेंगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आपको चुपचाप सुनना है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी आपको नहीं बोलना माने। अब तो देखिए और अच्छा होना चाहिए, ये हम आग्रह कर, ये अच्छा होना चाहिए। अरे सब सब हो रहा है भाई। नहीं सर नहीं हो रहा, तब को बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए तो बोलना जरूरी है, हो चुका है सर, आप जरूरी है बोलना। आप पहले थे कहाँ, आरजेडी में, उस पर कहा थे जेडीयू, अब हो गए आप बीजेपी में। आपको तो बोलना ही है को। कोई पार्टी बदला क्या बैठ रहे? अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठा ना बैठा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो हमको कोई एतराज नहीं है। कब कहां आप चले जाइएगा किसी को पता है? आपके झूठ के पुलंदा को हम लोग नहीं सुन सकते हमसे। अरे क्या भाग रहे हैं आप, इसीलिए क्या कर रहे हैं। बैठते तब ना, काहे भाग रहे हैं कहाँ भाग रहे थे। तो चलिए, खैर खैर, इनको मन था कि अब ज्यादातर नहीं सुने बेचारे, इतना देर से सुन रहे थे तो धीरे धीरे कह दिए। तो अब उसके बाद कुछ कुछ बोलना कोई मतलब तो है नहीं। देखिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो काम तो कर ही ना रहे हैं, तो खाली प्रचार ना है। यहाँ हमारे मीडिया वाले साथी ऊपर में, तो यहाँ पर वाला तो बतवा है, इसको ये छाप ही देते हैं,
लेकिन इसके अलावा इन पर जो कब्जा आजकल हो गया है केंद्र का, कि कहां कोई आप काम कीजिएगा तो उसको इनको छप खिलाफ में जितना बोलेगा उसको छपवाएगा। तो जो हालत हो गया है, जैसा हो गया है देश का, आप बिना मतलब का आप किस किस पर कार्रवाई शुरू हुई, आज जिन पर पहले कार्रवाई किए हमको ये कर दिए, अब फिर सब ठीक रहा अब फिर शुरू हो गया जब हम लोग साथ हो गए। ये देखिए ना, ये सब कौन कौन चीज होते रहता है, आप बिना मतलब का प्रचार प्रसार किसी के खिलाफ यही सब काम होते रहता है। तो इसलिए उन सब चीजों पर कोई मतलब है, हम लोगों का जो काम है, जो हम लोग सब मिल करके आज जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक से काम करे, कोई भी आदमी जो सरकारी आदमी है इधर उधर काम करे उस पर भी नजर रखना है। और अब इस बार का बजट आ गया, अब आप सोच लीजिए कितना तरह से बढ़ रहा, पहले से ज्यादा, अब कितना, 2,62,62,62, अब आप सोच लीजिए, ये गरीब राज्य है लेकिन इतना पैसा तो लास्ट ईयर ना हो गया था भाई तय कि पांचवें नंबर पर, अब विकसित राज्य इतना ज्यादा है और हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग तो राज्य के विकास के लिए कर रहे हैं, और केंद्र का पैसा कहां समय पर आता है, आप सोचिए ना, केंद्र जो पैसा वसूलता है तो उसमें जो है 100% में जो वसूली करता है उसमें तो 15वां आयोग के बाद तो हो गया कि भाई 42% राज्यों को मिलेगा, और फिर किस राज्य को क्या मिलेगा ये तय है, तो राज्य के लिए जो तय है, तो बिहार के लिए जो मिलना चाहिए वो पैसा समय पर मिलता मिल रहा है, पहले तो समय पर मिलता था, आजकल कहीं नहीं हो रहा, तो बात तो होता है खाली वो सब हो ही नहीं रहा, लेकिन कहीं कुछ छपता है कि हम लोगों का शेयर इतना था और उसमें इतना नहीं मिला, अगर आप कहिएगा भी छपने उपने वाला नहीं, कुछ हो नहीं छपेगा, तो काहे नहीं, काहे हो रहा है, क्यों नहीं आखिर राज्यों का जो पिछड़ा राज्य है उसको बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा जो केंद्र है तो उसका क्या काम, राज्य सरकार का काम तो राज्य की सेवा करना और केंद्र का काम है पूरे देश की सेवा करना, तो आखिर जो विकसित राज्य है वहीं से आजकल जो लोग आए हुए हैं ऊपर में, तो गरीब राज्यों के बारे में सोच नहीं है, तो सब गरीब राज्य को विकसित करना ना चाहिए, तो इसीलिए आप पटिया में भी सबको कह दिया जाता है तो उसी तरह से अपना बेचारे भाग गए हैं, कोई मतलब तो है नहीं, अभी तो यही हम मांग करने वाले थे कि भाई आप लोग भी कोशिश करिए ताकि विशेष राज्य का दर्जा हो जाए और सबका विकास हो, तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं। तो तमाम जितने नेता हैं महागठबंधन के वो मौजूद थे, चाहे वो आरजेडी के मिस्टर सुनील सिंह हो या फिर तमाम जितने सत्ता पक्ष की ओर से थे, कई सारे विभाग के मंत्री मौजूद थे, उन सभी ने भी खूब पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो तीखी नोकझोंक हुई है, बैठने को कहा गया सभापति के द्वारा, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई होती रहती है, देखिए तीखी नोकझोंक है, सत्ता पक्ष अपनी बात मनवाना चाहता है, विपक्ष कहता है कि यह गलत है, विपक्ष कभी क्या भी नहीं सकता है कि जो सरकार कर रही है वो सही है, तो ऐसे में नोकझोंक होती है, और नोकझोंक की तस्वीरों से, नोकझोंक की वीडियो से जो सदन की कार्रवाई के दौरान की रहती है उससे आपको अवगत कराते रहते हैं, ये वीडियो भी आपने देखा है, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।